हाय गाइस, वेलकम टू डे 4 ऑफ सेल्फ प्रिपेयरिंग फॉर एमबीए एंट्रेंस एग्जाम। आई होप तुम अभी तक साथ में चल रहे हो, कुछ बैकलॉग्स क्रिएट नहीं किए हैं। देखो, जनरल टास्क हमारे कुछ दिनों तक सेम रहेंगे। इसके ऊपर जब तक हमारा अच्छी सी चीजें नहीं आ जाती, हमारा फ्लो नहीं बनता, वो सेम है। एडिशन, कॉम्प्लीमेंट, टू डिजिट मल्टीप्लीकेशन, फ्रैक्शन, डेसिमल, सुडोकू, काकुरो, फितोशी की क्रॉस सम। और वर्बल के अंदर हमें क्या करना है, नॉवल रीड करनी स्टार्ट करनी है। तो कौन सी नॉवल रीड करोगे, जिसमें भी तुम्हारा मजा आ रहा है, जो भी तुम्हारा इंटरेस्ट है। तुम्हें भाई रोमांटिक पसंद है, रोमांटिक पढ़ लो। तुम्हें लड़ाई वड़ाई वाली पसंद है, वो देख लो। तुम्हें हॉरर स्टोरीज पसंद है, वो देख लो। तो जिसमें तुम्हारा इंटरेस्ट है, लेकिन नॉवल हमें रीड करनी है। इसके अलावा वर्ड पावर मेड इजी की एक्सरसाइज नंबर 3 और 4 हम लगाएंगे, ठीक है। अच्छा, एलआरडीआई में आज एक नया कंसेप्ट स्टार्ट करेंगे। कंसेप्ट हमारा है कैलेंडर्स का। कैलेंडर्स के अंदर देखो तीन चीजें होती हैं जो तुम्हें हमेशा आनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट कंसेप्ट हैं। तो एक तो लीप ईयर का कंसेप्ट क्या होता है, तो लीप ईयर के बारे में तुम्हें पता होना चाहिए, कितने साल बाद आता है। सेंचुरी ईयर कैसे होता है, तो उसमें हर चीज में लीप ईयर कैसे चलता है, ठीक है। रिपीट ईयर्स कब होते हैं, रिपीट मंथ्स कौन से होते हैं, ऐसे एक साल में कौन कौन से मंथ्स ऐसे हैं जिनका कैलेंडर एग्जैक्टली सेम रहता है, कितने साल बाद एक कैलेंडर एग्जैक्टली रिपीट हो जाता है, ठीक है। मैजिक सीरीज क्या होती है, तो मैजिक सीरीज बेसिकली अ नंबर सीरीज, जो आप याद कर लेते हो तो आपको किसी भी साल के जो ऑड नंबर ऑफ डेज हैं वो आपको पता चल जाते हैं, तो ऑड डेज वगैरह वहां पता चल जाएंगे, ठीक है। इसके अलावा क्या करना है, इसके ऊपर आपको ये कंसेप्ट पहले सीख लो, कहीं से भी, यूट्यूब पे, हमारी ऐप से, जहां से मन करे। इसके ऊपर 30-40 क्वेश्चंस प्रैक्टिस करो, फिर आ जाओ क्वांट्स के ऊपर। क्वांट्स में आपको क्या करना है, एचसीएफ और एलसीएम निकालना सीखना है। तो स्कूल मेथड से नहीं, हम यहाँ पे नए नए मेथड से सीखेंगे, जो एडवांस मेथड्स हैं उनसे, जिससे जल्दी हो। और फ्रैक्शंस के एलसीएम एचसीएफ कैसे निकालते हैं, इसमें कई सारे स्टूडेंट्स और मैंने कई सारे फैकल्टीज को भी देखा है जिनको दिक्कत आती है, तो ये देख लेना। इसके ऊपर 15-20 क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, काफी है। आज के लिए इतना ही करते हैं, बाकी काम हम कल करेंगे।